हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे VCV कंट्रोल सर्किट SIV लोको का। तो सबसे पहले डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसमें लगे सभी इक्विपमेंट के बारे में एक PPT के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए यह हमारा SIV फिटेड कंट्रोल सर्किट का डायग्राम है। इसमें हमारा सप्लाई जो है वो 700 वायर से, इसमें हमारा सप्लाई जो है वह 700 वायर से आता है। यह सप्लाई CCBA 35 एम्पियर फ्यूज और CCPT 16 एम्पियर फ्यूज से होते हुए नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ऑफ C105, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ऑफ C106, C107, नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ऑफ Q44, फिर नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ऑफ Q46, कुछ इस तरह से आते हुए फिर GR025 होते हुए Q118 को एनर्जाइज करता है। ठीक है, अभी जैसे ही हमारा Q118 एनर्जाइज होता है तो Q44 ब्रांच में जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है Q118 का, वह हमारा नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ जाता है। अभी कोई कोई किसी किसी सर्किट में Q44 का यह इंटरलॉक यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में जो है हमारा पाथ Qcon के थ्रू मेंटेन हो जा होकर के Q118 को एनर्जाइज करता है। ठीक है, तो अभी हमारा Q118 इधर से एनर्जाइज हुआ तो यहाँ पे Q44 ब्रांच में जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है Q118 का, वो हमारा नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो सप्लाई है वह CCDJ होते हुए BP1DJ जो है ये CCDJ एक फ्यूज है, फिर यहाँ से इधर सप्लाई आएगा। BP1DJ जो है हमारा वो स्प्रिंग लोडेड है जो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में होता है। इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये ओपन होकर के सप्लाई कट कर देगा, जिससे हमारा DJ ट्रिप हो जाएगा। इसलिए इसको BP1DJ को पुश बटन फॉर DJ ओपनिंग बोला जाता है। तो CCDJ BP1DJ से होते हुए BL1DJ, फिर उसके बाद ZPT 1 या 2 पोजिशन में रखेंगे, जो भी पेंटो हमको उठाना हो उस कंडीशन में रख के, फिर BL1RDJ जो है वो हमारा प्रेस करना पड़ेगा। BL1RDJ प्रेस करने से इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक जो है वह क्लोज हो जाता है। तो फिर इस कंडीशन में GR025 होते हुए Q45 हमारा एनर्जाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर Q45 जैसे ही हमारा एनर्जाइज हुआ, देखिए Q44 ब्रांच में जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो क्लोज हो जाएगा, और MTDG ब्रांच में जो हमारा Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो भी हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर देखिए Q44 ब्रांच में ये Q45 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज हो गया। ठीक है, सप्लाई इधर आ गया, फिर जैसे ही जब हमारा Q118 एनर्जाइज हुआ था उस वक्त ये भी नॉर्मली ओपन से क्लोज में आ गया था, तो सप्लाई इधर से आकर के इधर तक आ गया, फिर आगे ASMGR क्लोज और फुल नॉच इधर आकर के Q44 हमारा एनर्जाइज हो गया। ठीक है, अभी Q44 जब हमारा एनर्जाइज हो गया, ठीक है, Q44 हमारा एनर्जाइज हो गया, जैसे ही Q44 हमारा एनर्जाइज हुआ, अभी Q44 क्या है, Q44 जो वो हाफ नोच प्रोटेक्शन रिले है। हाफ नोच पे अगर स्टकअप होता है तो रिले डी एनर्जाइज हो जाएगा और DJ ओपन करेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा Q45 एनर्जाइज होगा तो MTDJ ब्रांच में एक Q44 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो हमारा क्लोज कंडीशन में आ जाएगा, और हमारा सप्लाई जो है कुछ इस तरह से आकर के नॉर्मली क्लोज इंटर, ये सेफ्टी रिले है, ये सेफ्टी रिले का सभी कंडीशन नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जो है सभी नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है। तो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ऑफ QLM, QOP1, P2, QRSI1, QRSI2, QSSIT, आर्नो लोको का DJ कंट्रोल सर्किट बताए थे उस वक्त, उसमें QSSIT नहीं था, उसमें क्या था, QOA था और QLA था, तो उस दोनों को रिमूव करके यहाँ पे SIV का QSIT लगाया गया है। तो अभी कुछ इस कंडीशन में हमारा सप्लाई आएगा। Q45 जो है नॉर्मली ओपन है, लेकिन जब ये Q45 एनर्जाइज हुआ था उस वक्त इसका कंडीशन चेंज हो गया था, तो ये हमारा नॉर्मली क्लोज में आ गया था। फिर सप्लाई इधर से आकर के ऐसे आकर के यहाँ पे देखिए QPDJ है, प्रेशर स्विच है, कटिंग जो है 4.6 और 4.0 इसका लिमिट है। फिर यहाँ पे QEMS का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। QEMS क्या है, BPEMS जो होता है उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है। जब BPEMS हम प्रेस करते हैं तो QEMS एनर्जाइज होकर के यहाँ पे उसका इंटरलॉक का पोजीशन जो है नॉर्मली क्लोज से ओपन आ जाता है और हमारा DJ ट्रिप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा नॉर्मली क्लोज कंडीशन में है, तो हमारा सप्लाई इस तरह से आकर के MTDJ को एनर्जाइज कर देगा। ठीक है, अभी जैसे ही MTDJ हमारा एनर्जाइज होगा तो हमारा ये DJ का जो नॉर्मली
ओपन इंटरलॉक है, ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, डीजे क्लोज हो गया। डीजे क्लोज होने के साथ साथ क्या, साथ ही क्या है, एलएसडीजे जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, यानी बुझ जाएगा। डीजे का इंटरलॉक जो है वो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या है, Q118 ब्रांच में जब हमारा Q44 एनर्जाइज हुआ तो देखिए हमारा डीजे क्लोज हो गया। यहाँ पे एक बीपी वन डीजे वो हमारा स्प्रिंग लोडेड स्विच था, और एक बीएलआर डीजे प्रेस किए तो Q45 एनर्जाइज हुआ। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होकर के हमारा डीजे क्लोज हो गया। फिर जब LSCHBA एक्सटिंग्विश हो जाएगा तो हम BLRDJ को छोड़ देंगे। जैसे उसके BLRDJ को छोड़ेंगे, हमारा Q45 जो है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मली जो क्लोज इंटरलॉक था ये फिर से ओपन हो जाएगा और सप्लाई इधर से कट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा सप्लाई जो है कुछ इस तरह से मेंटेन होगा। जैसे ही हमारा डीजे क्लोज हुआ है तो UVA जो हमारा वोल्टेज है वैसी वोल्टेज आ जाएगा और Q30 एनर्जाइज हो जाएगा, जिससे Q30 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वह क्लोज कंडीशन में आ करके GR0 होते हुए कुछ इस तरह से आके Q44 को मेंटेन करेगा। ठीक है, अभी क्या है, हमारा SIB के साथ 5 XLD जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, SIB के साथ कितने XLD स्टार्ट होता है, वो कौन कौन है, वो है हमारा QVSL1, QVSL2, QPH, ये तीन और QVSI1 और QVSI2। ठीक है, तो ये सभी मोटर हमारा साथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो है डीजे क्लोज होने के साथ ही हमारा जो पाथ जो है वो कुछ इस तरह से मेंटेन होगा। इधर से सप्लाई इस तरह से आएगा C105, C106, C107 होते हुए, फिर यहाँ QVSL1, QVSL2, QPH होते हुए कुछ इस तरह से आकर के हमारा ये एनर्जाइज रहेगा। फिर MTDJ भी डीजे क्लोज हुआ तो एनर्जाइज रहेगा, और Q44 जो है हमारा कुछ इस तरह से आकर के एनर्जाइज रहेगा। यहाँ पे देखिए आकर के एनर्जाइज रहेगा। अभी सपोज कीजिए Q45 अभी क्या है, हमारा SIB जो है वो दो तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। एक स्टार्ट करने से पहले BLVMT स्विच को ऑन करके, दूसरा जो है स्टार्ट करने के बाद BLVMT स्विच को ऑन करके। तो क्या होता है, अगर हम लोग को एनर्जाइज करने के बाद BLVMT को ऑन करते हैं तो हमारा जो है SIB जो है वो एक बार ऑफ होकर के ऑन होता है, और ये सब हमारा होता है QSVM रिले के कारण। क्या होता है, जब सप्लाई जो है CCINV से होते हुए QSVM होते हुए SIV के पास जाता है, ठीक है, तो SIV स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम BLVMT ऑन करते हैं तो QSVM जो है हमारा वो डी एनर्जाइज हो जाता है और इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाता है, और SIV का कनेक्शन कट होकर SIV बंद हो जाएगा। तथा 2 सेकंड के बाद जब QSVM नॉर्मली ओपन इंटरलॉक क्लोज होगा तब SIV जो है हमारा पुनः स्टार्ट हो जाता है। ये हम SIV कंट्रोल सर्किट के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। चलिए आते हैं अभी VCV कंट्रोल सर्किट SIV लोगों पे। तो इसमें क्या है, जब हमारा BLVMT ऑन नहीं है उस कंडीशन में कैसे मेंटेन होगा, तो सप्लाई कुछ इस तरह से आएगा, फिर C105, C106, C107 होते हुए, फिर इधर जा करके वो QVSL1, QVSL2, QPH होते हुए। क्योंकि इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा SIV स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग तो उस कंडीशन में है QCON जो है हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, और QCON एनर्जाइज होने के बाद जो है वो इधर नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है QCON का, वह क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा और सप्लाई इधर से कट जाएगा। तो एक बार हमारा डीजे क्लोज हो गया, SIV स्टार्ट हो गया, तो हमारा सप्लाई जो है SIV स्टार्ट होते ही QCON एनर्जाइज होगा और सप्लाई इधर से कट हो जाएगा और
तो उस कंडीशन में हमारा जो पाथ जो है वो कुछ इस तरह से मेंटेन होगा, CCBA, CCPT, C105, C106, C107 होते हुए QVSL1, QVSL2, QPH होते हुए, Q46 होते हुए, फिर यहाँ पे देखिए GR025 होते हुए Q118 को आएगा, फिर सेम उसी तरह से सभी प्रोसेस चलेगा। अभी सपोज़ कीजिए हमारा BLVMT ऑन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब भी हमारा BLVMT ऑन है तो उस कंडीशन में सप्लाई इस तरह से आकर के C105 जो है वो ये सभी नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही रिले इनर्जाइज होगा ये इंटरलॉक जो है पोजीशन चेंज करेगा, उसके बाद ये स्विच HVMT1, HVMT2, HVRH के थ्रू वन पोजीशन से होते हुए कुछ इस तरह से आकर के GR025 होकर के पाथ मेंटेन होगा, ठीक है। अभी क्या है, अगर फर्स्ट नोच ले लिए तो उस कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट नोच जब भी ले लिए तो हमारा सभी पाथ वैसे ही रहेगा, ये इस तरह से आएगा और Q46 होते हुए यहाँ पे देखिए C105, C106 और C107 तीनों का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक दिया गया है। तो जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होगा QVMT1, QVMT2, QVRH, तो ये नॉर्मली यहाँ पे क्लोज है तो ये तो ओपन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो ये क्लोज कंडीशन में आ जाएगा और हमारा पाथ जो है कुछ इस तरह से मेंटेन करके Q118 को एनर्जाइज रखेगा। तो इस तरह से हमारा Q118, MTDG और Q44 तीनों एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अभी फर्स्ट नोच लेने पे क्या होगा? जैसे ही हम फर्स्ट नोच लेंगे तो देखिए एक GR0 का इंटरलॉक इधर है, फिर क्या है GR0 का इंटरलॉक इधर है, तो उस कंडीशन में जो है हमारा वो MVMT1 से इधर से 025 तक इधर रहेगा यहाँ पे, बाकी इधर से आके मेरे पास मेंटेन होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है, GR0 पे है, जैसे हम फर्स्ट नोच लेंगे तो उस कंडीशन में सप्लाई QVSI1 और QVSI2 के थ्रू मेंटेन होगा। तो ये था हमारा VCB कंट्रोल सर्किट का डायग्राम। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम PPT के बारे में बात किए थे तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये हैंडमेड हाथ से बनाया गया नोट्स है, तो आपको इसमें कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। SIV जो है क्या है, हमारा स्टैटिक कन्वर्टर है, एक्सिलरी मोटर के लिए सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 760 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई को 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 33 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है। कन्वर्टर यूनिट TFWA वाइंडिंग से कनेक्टेड रहता है। आरनो से संबंधित इक्विपमेंट जैसे C118, R118, QCVAR, QLA, HQOA, Q100, QTD105 एंड 106 आदि उपलब्ध नहीं रहता है इसमें। बैटरी चार्जर जो है SIV यूनिट के अंदर ही उपलब्ध होता है। मिनिमम बैटरी वोल्टेज जो है हमारा वो 90 वोल्ट चाहिए लोको एनर्जाइज करने के लिए। इसमें जो न्यू इक्विपमेंट है उसमें CCINV, QCON, QSIT, LSSIT, QSBM, QTD101, HSIV, HRAVT, C108 जो है वो दिया जाता है। ये सभी वन वर्ड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से इसको समझें। देखते हैं CCINV क्या है। CCINV जो होता है वो कंट्रोल सर्किट का फ्यूज है। कंट्रोल सर्किट फ्यूज करने का मतलब SIV कंट्रोल यूनिट को बैटरी वोल्टेज जो है वो सप्लाई करता है, ठीक है। CCINV जो है SIV कंट्रोल यूनिट को बैटरी वोल्टेज सप्लाई करता है। आगे देखते हैं QCON। सबसे पहले CCA है, कंट्रोल सप्लाई फ्यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर एंड QSBM रिले। QCON जो है हमारा जब SIV जो है QCON जब SIV थ्री फेज सप्लाई प्रोड्यूस करेगा तब QCON हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। QSSIT सेफ्टी रिले टू प्रोटेक्ट SIV फ्रॉम फॉल्ट। जब QSIT एनर्जाइज होगा DJ ट्रिप हो जाएगा और पायलट लैंप पैनल में LSSIT जो है वो हमारा ग्लो करेगा। आगे देखते हैं C108 जो है वो अवेलेबल इन सम लोको फॉर MBRF ब्लोअर के लिए दिया गया है, वर्किंग विथ AC सप्लाई फ्रॉम SIV, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं QSBM। जब DJ क्लोज हो तथा BLVMT ऑन हो तब CCA सप्लाई से QSBM जो है एनर्जाइज होता है। अगर लोको पहले से ही एनर्जाइज्ड है और अगर BLVMT ऑन करते हैं तब SIV कंट्रोल सप्लाई ओपन हो जाएगा तथा SIV शट डाउन हो जाएगा, तथा QSBM रिले अपने इंटरलॉक से एनर्जाइज होकर SIV को कंट्रोल सप्लाई करेगा और SIV ब्लोअर के साथ अगेन स्टार्ट हो जाएगा। आगे है QTD 101
टाइम डिले रिले फॉर MCP, क्यूकन शुड बी इन एनर्जाइज कंडीशन टू एनर्जाइज दिस रिले। मतलब QTD ऑन नॉट ऑन को एनर्जाइज होने के लिए क्यूकन जो है एनर्जाइज होना चाहिए। यह हमारा MCP का जो डायग्राम है, MCP का डायग्राम है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो हम उस पर भी बना रहे हैं। VLCP स्विच ऑन होने के 5 सेकेंड के बाद QTD 101 एनर्जाइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसर स्टार्ट होने के लिए QTD 101 एनर्जाइज होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं QV60 है। SIV कंट्रोल सर्किट में QV60 दिया गया है। QV60 इंश्योर करता है कि SIV कंट्रोल यूनिट स्टार्ट होने से पहले DJ क्लोज होना चाहिए। ये आगे देखते हैं SIV का एडवांटेजेस क्या है। डिटेक्ट अर्थ फॉल्ट, मिनिमम मेंटेनेंस, अवॉइड फेलियर ऑफ एक्सिलरी पेपर्स मोटर्स, हाई एफिशिएंसी, मोर रिलायबल, लेस नॉइस एंड स्मूथ ऑपरेशंस। ये सभी आपको सेल्फ स्टडी के लिए लगाया गया है ताकि आपको डायग्राम में कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, हम SIV को दो तरह से एनर्जाइज, SIV में दो तरह से DJ क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, एक जो है BLVMT के साथ और दूसरा BL बिना BLVMT के। पहला देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच ऑन BLDJ, BLCP, BLVMT, ठीक है, तीनों स्विच ऑन करते हैं, फिर BLRDJ को प्रेस करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा LSDJ एक्सटिंग्विश हो जाता है और DJ क्लोज हो जाता है। बस LSDJ एक्सटिंग्विश और DJ क्लोज, इतना ही में यही एक प्रोसेस है। BLRDJ प्रेस करते हैं और छोड़ते हैं, उतने देर के अंदर वो पूरा DJ कंट्रोल सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और हमारा DJ क्लोज हो जाता है। SIV स्टार्ट ऑटोमेटिकली विद इन 5+3 एक्सिलरी मोटर्स। जी हाँ, 5+3 एक्सिलरी मोटर्स है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो 8 एक्सिलरी मोटर्स कौन कौन है। फिर आफ्टर 10 to 15 seconds SIV प्रूविंग रिले क्यूकॉन इज इनर्जाइजिंग एंड LSCHB एक्सटिंग्विश। 10 से 15 सेकेंड बाद जो है SIV प्रूविंग रिले जो है तो क्यूकॉन है वो एनर्जाइज हो जाता है और LSCHB हमारा बुझ जाता है। 5 सेकेंड आफ्टर क्यूकॉन एनर्जाइज, QTD 101 विल एनर्जाइज एंड MCP 1 and 2 स्टार्ट। उसके 5 सेकेंड बाद क्या होता है, हमारा क्यूकॉन एनर्जाइज होता है, फिर QTD 101 फिर एनर्जाइज होता है, उसके बाद MCP 1 और 2 स्टार्ट होता है, फिर अनदर 5 सेकेंड के बाद जो है हमारा MCP 3 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा Method 1 था। Method 2 देखते हैं। प्रोसेस टू क्लोज DJ इन SIV लोको Method 2, स्विच ऑन BLDJ, प्रेस BLRDJ, LSDJ एक्सटिंग्विश यू एमिटर रेडिएट, देन रिलीज BLRDJ। SIV स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 to 15 seconds। SIV प्रूविंग रिले क्यूकॉन इज इनर्जाइजिंग एंड LSCHB एक्सटिंग्विश। क्यूकॉन एनर्जाइज हो जाएगा और LSCHB हमारा एक्सटिंग्विश हो जाएगा। अभी क्या है, फिर स्विच ऑन BLCP, QTD 101 एनर्जाइज आफ्टर 5 सेकेंड डिले एंड MCP स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। अभी क्या करते हैं, पहले वाले में हम BLDJ साथ में ऑन किए थे, BLVMT साथ में ऑन किए थे, अभी BLVMT बाद में ऑन कर रहे हैं। तो BLVMT ऑन करने के लिए स्विच ऑन BLVMT नाउ, SIV स्टॉप एंड रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस था। ये जो 5 सेकेंड्स, 10 to 15 सेकेंड्स, ये सभी आपको जब ब्लोअर कंट्रोल सर्किट और MCP कंट्रोल सर्किट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।